नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो कल पढ़ रहे थे अवधारणाओं के बारे में, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें अपन, जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार जोनाथन ट्यूमर ने अपने दो प्रकार की अवधारणाएँ प्रस्तुत की, अमूर्त और मूर्त, इसको आगे बढ़ाते हैं कि हम एक रेक का उदाहरण ले सकते हैं कि पुस्तकें, बर्तन, कपड़े, फाइलें आदि रखने के लिए रेक या तो लकड़ी या एल्यूमिनियम, स्टील, लोहे की आदि की हो सकती है। ये किचन में उपयोग में आने वाला छोटा रेक हो सकता है, या दुकान में काम आने वाला मध्यम आकार का स्टील का रेक भी हो सकता है, या कॉलेज पुस्तकालय में काम आने वाली बहुत बड़ा रेक हो सकता है। रेक की अवधारणाएं सभी रेकों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों या विशेषताओं की ओर संकेत करती है, लेकिन छोटे, मध्यम या बड़े आकार के किचन, लाइब्रेरी या दुकानों के प्रयोग में आने वाले रेकों को संदर्भित करने से ये एक अमूर्त क्रम मूर्त अधिक हो सकता है, क्योंकि ये एक विशेष श्रेणी को प्रदर्शित करता है। अब हम एक समाजशास्त्रीय अवधारणा का उदाहरण लें। सामाजिक एकीकरण इंटीग्रेशन समूह के द्वारा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्ति की स्वीकृति, जिसको दुर्खिम ने आत्महत्या की दर की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया, और आत्महत्या की दर तथा सामाजिक एकीकरण के स्तर के बीच के विपरीत संबंधों को व्याख्या के लिए प्रयोग किया था। उसने व्यक्ति की आत्महत्या की प्रकृति, प्रवृत्ति और उसके चारों ओर परिस्थितियों के बीच संबंधों को भी व्यक्त किया गया। नागरिकों की अपेक्षा सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं, विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं, कैथोलिक धर्मावलंबियों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट्स अधिक आत्महत्या करते हैं इत्यादि। अतः सामाजिक एकीकरण, सामाजिक समूह में व्यक्ति का जुड़ाव या समूह से वह कितना अधिक बंधा हुआ है प्रदर्शित करता है। यहाँ एक सामाजिक एकीकरण किसी समूह, समय तथा स्थान से बंधा हुआ नहीं है, अतः ये एक अमूर्त अवधारणा है, जो कि केवल आत्महत्या पर ही लागू नहीं होती, बल्कि अनेक अन्य सामाजिक घटनाओं पर भी लागू होती है। धन्यवाद। इसके साथ अपन चर का, जो बीच में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार चर जो है हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनकी अवधारणाएं क्या है, और अमूर्त अवधारणाओं से सामाजिक अनुसंधान की व्यावहारिक पक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए हमें कुछ और पदावलियों, टर्म्स को खोजना है। ऐसी ही एक पदावली है चर, एक ऐसी विशेषता है जिसमें दो या दो से अधिक मूल्य निहित होते हैं। ये एक ऐसी वस्तु है जो परिवर्तित होती है। ये एक ऐसी विशेषता है जो अनेक व्यक्तियों, समूह, घटनाओं, वस्तुओं आदि में सामान्य होती है। व्यक्तिगत मामले उसी सीमा तक भिन्न हो सकते हैं जब उनमें एक ये विशेषता हो। इस प्रकार आयु, युवा, मध्यम आयु वर्ग, वृद्ध, आय वर्ग, निम्न मध्यम, उच्च जाति, निम्न जाति, शिक्षा है ना, व्यवसाय आदि सभी चर है। चरों और गुणों की या श्रेणियों की जिसमें वे निहित होते हैं के बीच संभ्रम का दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं है। लिंग एक चर है जिसमें पुरुष और स्त्री दो श्रेणियां होती हैं। आय एक चर है जिसमें असहाय, गरीब, मध्य वर्ग और धनी लोगों की भिन्न भिन्न श्रेणियां होती है। अनुसंधानकर्ता को चर और श्रेणी के बीच अंतर को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मैंने आपको पढ़ा दिया था और आप इसको डिटेल लिख लें, ये आप थोड़ा देख लें किस प्रकार यह है, इसका समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।